मुगल सल्तनत की फ़ौज ही असल में वो कुव्वत थी जिसके ज़रिए मुग़ल शहज़ादों ने 15वीं सदी में अपनी सल्तनत कायम की और 18वीं सदी के आगाज़ तक अपनी इस सल्तनत को बड़ी हद तक वसत भी दी। मुग़ल सल्तनत कितनी ताकतवर थी इसका अंदाज़ा इस बात से लगा लिए कि अपने अरूज में 16वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक मुग़ल सल्तनत ने तकरीबन पूरे बरसगीर पर अपना कंट्रोल कायम रखा। मुग़ल आर्मी आखिर कितनी बड़ी थी। इब्तदा में बादशाह बाबर के ज़माने में फ़ौज बहुत बड़ी तादाद में मैसर नहीं थी, लेकिन चलते चलते औरंगज़ेब के ज़माने में मुग़लों के पास लड़ने के लिए 5 लाख सिपाही, 50,000 ऊँट और 30,000 जंगी हाथी भी शामिल थे। और जब ये ज़बरदस्त मुग़ल आर्मी हरकत में आती तो ये मीलों से देखने वालों के दिलों में दहशत पैदा करती थी। मुग़ल आर्मी में सिपाहियों की भर्ती। मुग़ल फ़ौज का कोई रेजिमेंटल ढांचा नहीं था और सिपाही बराह रास्त शहनशाह की तरफ से भर्ती नहीं होते थे। इसकी बजाय अफराद जैसा कि रईस या मुकामी रहनुमा अपने तौर पे फ़ौजी भर्ती करते थे और बाद में बादशाह की फ़ौज में शामिल कर दिए जाते थे। अफसरों के अहदे और तनख्वाहें उनके मनसब के लिहाज से मुतय्यन थीं। मुग़ल फ़ौजी मार्च। जब कोई फ़ौज या शहनशाह पहली बार मैदान जंग में उतरता था तो ये अमूमन मार्च शुरू में तखीर का शिकार हो जाया करता था। इसकी अहम वजह आसमानी सितारे और नजूमी थे। कोई भी फ़ौजी मार्च उस वक्त तक शुरू नहीं होता था जब तक के सितारों को पढ़ के खुशकिस्मत लम्हा तय न पा जाए और शाही नजूमियों से मशवरा ना ले लिया जाए। फ़ौजी मार्च के लिए कौन सा दिन बेहतर रहेगा ये फ़ैसला सितारों और नजूमियों के मुश्तरका फ़ैसले से होता था। मुग़ल शहनशाह खुद किसी फ़ौजी मार्च के साथ नहीं जाता था जब तक कि फ़ौज बड़ी और मुहिम अहम ना हो। फ़ौजी मार्च के दौरान रास्ते में बरकत हासिल करने के लिए नामवर बुज़ुर्गों की ज़्यारत करना मामूल था। मार्च के दौरान हाथी पर बैठे सिपाही अपनी सल्तनत के झंडे को ऊंचा हवा में थामे रखते थे। दौरान दरियाओं को अबूर करने के लिए कश्तियां जोड़ के पुल बनाए जाते थे जिससे गुजर के दरिया के एक किनारे से दूसरे किनारे बआसानी जाया जा सकता था। इन पुलों की तमीर और कश्तियों की फराहमी का जिम्मेदार मीर बहर या लॉर्ड ऑफ द सी के नाम से खास अफसर मुतय्यन होता था। मुग़ल आर्मी का रुतबा। अगर हम पूरी मुग़ल फ़ौज बशमूले मनसबदारों और जगीरदारों की फ़ौज को शुमार करें तो ये तकरीबन 40 लाख से कम नहीं होगी। मुग़ल फ़ौज अपने दौर में दुनिया की सबसे ताकतवर और मुनज़्ज़म फ़ौजों में से एक थी। मुग़ल बादशाहों ने कई जंगी हाथी भी रखे थे। अकबर के दौर में इनकी तादाद 1,000 के लगभग थी, लेकिन पूरी मुगलिया सल्तनत में इनकी तादाद 50,000 के लगभग पहुंची। मुग़ल फ़ौज की वर्दी असल में रवायती हिंदुस्तानी और फारसी लिबास मजमुआ थी। एक मुग़ल सिपाही के लिए बुनियादी यूनिफॉर्म एक लंबा कमीज की तरह का जामिया पहनना था। मुग़ल फ़ौज की वर्दी 3 हिस्सों पर मुश्तमिल थी, एक मेल हेलमेट, दूसरा प्लेट कोट और तीसरा लंबा चमड़े का जूता था। मेल हेलमेट सर पे पहनने के लिए था जिसके चारों तरफ चांदी की लंबी जंजीरें लटक रही होती थीं जो पूरे चेहरे को डाम के रखती थीं। बुनियादी यूनिफॉर्म के अलावा मुग़ल सिपाही मुख्तलिफ़ किस्म के दूसरे लिबास और सामान भी पहनते थे। जो भी मखसूस किस्म का लिबास एक सिपाही पहनता था उसका इनसार उसके अहदे के ऊपर मुनसर था।
अकबर ने फ़ौज की तंजीमें नो की और एक नया निज़ाम मुतारफ़ करवाया जिसे मनसबदारी निज़ाम कहा जाता था। चुनाचे मुग़ल फ़ौज का लाजमी ढांचा अकबर के दौर से शुरू हुआ। मुग़ल बादशाहों ने खुद तो अपने लिए एक छोटी सी फ़ौज को बरकरार रखा जिनकी तादाद सिर्फ हज़ारों में हुआ करती थी। इसकी बजाय वहाँ मौजूद अफसरों जिन्हें मनसबदार कहा जाता था उन्होंने मुग़लों को ज़्यादा फ़ौज फराहम की। इसी तरह हर मनसबदार के लिए अपना दर्जा हुआ करता था और उसका तय्यन इस बात से लगाया जाता था कि जो मनसबदार जितने ज़्यादा सिपाही फराहम करेगा उसका दर्जा उतना ही बुलंद होगा। मुग़ल फ़ौज को इब्तदा से इख्तिताम तक एक अहम मुकाम हासिल था लेकिन औरंगज़ेब के टाइम पे मुग़ल सबसे ज़्यादा ताकतवर थे और उनके पास सबसे बड़ी फ़ौज थी, लेकिन उसके बाद अंदर और बाहर की बहुत सी कुव्वतों ने ऐसा अमल किया कि मुग़लों के हालात बदतर से बदतर होना शुरू हुए और आखिरकार उनकी ये साख भी ख़त्म होना शुरू हो गई।